तो अब हम बैलेंस शीट के बाद चलते हैं अटेंडेंस शीट की ओर। तो एक सीट हम यहाँ पर ले लेंगे, लास्ट सीट को सिलेक्ट करके फिर आप प्लस को क्लिक करिएगा, तो एक न्यू सीट यहाँ पर आ जाएगी और ये सीट हमारी है अटेंडेंस सीट। राइट क्लिक कर मुझे डाउट खुले थोड़ी सी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो क्या क्या फील्ड लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप ले लीजिएगा, और कम से कम दो से तीन रो छोड़ करके फिल लीजिएगा। सबसे पहले फील्ड तो हम ले लेते हैं सीरियल नंबर, ठीक है, और फिर लेते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर क्यों? क्योंकि हमने अपने डेटाबेस में फर्स्ट फील्ड मोबाइल नंबर ही मेंशन कर रखा है, ये जिससे हम डेटा उठा रहे हैं, है ना। यानी हमारा यूनिक नंबर मोबाइल नंबर ही है, इसलिए हमने अपने अटेंडेंस शीट में भी मोबाइल नंबर लिया। और इसको थोड़ा स्क्रॉल को आप छोटा कर देना ताकि ज़्यादा सीट आ जाए। मोबाइल नंबर के बाद आ जाता हमारा नेम, नेम के बाद फादर नेम की यदि अटेंडेंस की जरूरत अटेंडेंस की जरूरत रख लेना, ऐसे छोड़ देना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का हमने ऑप्शन रख रखा है, चाहें तो रखें नहीं तो हटा भी सकते हैं। फादर नेम जरूर लगा देते हैं। हाँ इसके बाद हमने अपने इसमें एक फील्ड ऐड कर रखी है, एक तो कोर्स भी इसमें है और एक रख रखा है हमने ड्यू फीस या डिपॉजिट फीस, जो भी एक रखना चाहो तो उसे पता चल जाएगा। तो फी का हम एक कॉलम यहाँ पे रखते हैं, जो डिपॉजिट है शायद इसमें डिपॉजिट ही आ रही है, डिपॉजिट से बात पता चल जाएगा कि हमारी टोटल फीस इतनी है, तो उसमें से इतना माइनस कर दो बचा हुआ ड्यू फी, है ना। दोनों में से कोई भी कॉलम। इसके बाद हम यहाँ से मंथ का सिलेक्शन करेंगे, तो आपको या तो आप यहाँ पे ऐसे नंबर टाइप कर दीजिए 1 2 इस प्रकार से, और इसको खींच दीजिए दोनों को। कहाँ तक? 17 18 31, ये हमने खींच दिया। और फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे मिलेगा आपको कॉलम विड्थ, ये कॉलम विड्थ को क्लिक करना। और 8.11 है, बाई डिफॉल्ट भी पूछा था कि एक कॉलम की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको हम कर देंगे 2, ये सारे कॉलम छोटे हो गए। छोटे होने के साथ में पूरा हमारे एक ही पेज पर ये आ भी रहा है, ये हमें करना है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम पूरे सीट का कलर सेट कर लेते हैं ताकि रिकॉर्डिंग में जो डेटा आ रहा है उसका थोड़ा सा क्लियर आ जाए। और चाहे तो इनका अभी बॉर्डर भी आप सेट कर दीजिए, सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर। इसी के साथ ये जगह में हमारा अन्य डेटा आएगा, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करके इसका एक बार नो बॉर्डर करेंगे एंड आउटसाइड बॉर्डर को यस कर देंगे। तो ये इस प्रकार का इंटरफेस बन जाएगा, और ये आपको बेसिक चीज़ें आना भी चाहिए, ठीक है। सीरियल नंबर के लिए हम बात करें तो सीरियल नंबर के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं इक्वल रो, ठीक है। ये 5 आएगा, इसमें से हमने यदि -4 कर दिया तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी को हम आगे,
जहाँ तक भी आपको लेना। अब यहाँ पर रहे हमारा मोबाइल नंबर, और उस मोबाइल के आधार पर, नंबर के आधार पर यहाँ आ जाए हमारा नाम। ठीक, तो हम यहाँ से मोबाइल नंबर उठा लेते हैं। एक तो चीज़ ये कि ये मोबाइल नंबर माइनस तरीका गलत है। भी माइनस आ ही गया। तो हम ये मोबाइल नंबर, अब ये मोबाइल नंबर नहीं वैसे तो। हाँ बेटा चल रहे, वेट करो थोड़ा सा। यहाँ हम इसको जब आप वहाँ से कॉपी करके लाओ तो एज ए वैल्यू पेस्ट करिएगा, नहीं तो फॉर्मेटिंग आ जाएगी, यहाँ पर नाम आ जाएगा। यहाँ लगाते हैं हम इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू है हमारी ये नंबर, कॉमा कहाँ से डेटा आए, तो सबसे फर्स्ट DCA से, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉलम सेलेक्ट करके चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, जेड तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर दे देंगे हम 000 कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर नाम के लिए 8, है ना, 8, 0, 1, एंटर। ठीक है, तो ये नाम आ गया निकलेश। लेकिन समस्या ये है कि ये बेच जो हमारी है, जैसे 8 to 10 की बेच मान लो आप लोगों की, अब इस बेच में एक स्टूडेंट DCA का है, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट है वो PGDCA का है, ये वाला। तो अब इस मामले में जब हम यहाँ इसको खींचे, ठीक है, तो हैज ना आ गया। DC वाले मामले में तो आ रहा है, लेकिन PGDCA में हैज ना आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि हैज ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एरर है, ठीक है ना, क्योंकि वो वैल्यू फिल नहीं हुई है। तो हम इसके पहले यहाँ पर लगा दें इफ एरर, ठीक है, और यदि वैल्यू हो तब तो वैल्यू देगा, नहीं तो, नहीं तो हमने अभी तक क्या दिया मामला, यहाँ पर ब्लैंक। उस ब्लैंक की जगह हमने लगाया कि यदि एरर हो तो फिर वी लुकअप चले तो सही, किसके आधार पर, इस वैल्यू के आधार पर, कॉमा। अब डेटा वो कहाँ से ले, अब वो डेटा ले PGDC वाली सीट से, इसको भी हम जेड तक ही सिलेक्ट कर लें, सिमिलर रहेगा, वाई तक ही हुआ कोई बात नहीं, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर तो वही है 8, 0, 1 और ठीक है। तो अभी यहाँ अप्लाई कहाँ किया, हमारा फॉर्मूला तो ऊपर वाले इसमें लगा है ना। अब हम इसको खींचते हैं,